हेलो डियर स्टूडेंट जेई मेंस 2020 का एक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जेई मेंस 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन वेव्स चैप्टर का क्वेश्चन है और यह है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो वेलोसिटी होती है वेव की ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी, उससे रिलेटेड कंसेप्ट है इसके अंदर अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स ऑन अ टॉट स्टील वायर विदिटी ऑफ वीन टेंशन इन इट इज जो भी गिवन है ये वेन द टेंशन इज चेंज टू टी जब इसको बदल कर हम टी कर देते हैं तो वेलोसिटी आधी हो जाती है तो जो तो नया टेंशन है वो कितना है आपको पता है कि कोई भी जो स्ट्रिंग होती है उसमें अगर मैं वेव की वेलोसिटी निकालता हूँ तो किसी भी स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट टी अपॉन म्यू जहाँ पे जो टी होता है वो तो उस स्ट्रिंग में टेंशन है और जो म्यू होता है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ अब देखिए वायर तो चेंज नहीं किया गया है तो म्यू में कोई चेंज नहीं है तो वी इज प्रपोर्शल टू आपका रूट टी हो गया अब जरा देखो कि आपकी वेलोसिटी आधी हो गई है वेलोसिटी आधी हो गई है तो मैं ऐसे करता हूं कि नई वेलोसिटी अपॉन पुरानी वेलोसिटी टू नया टेंशन अपॉन पुराना टेंशन नई वेलोसिटी जो है वो आधी है पुरानी वाली की तो v 2, वी बाई टू ये नई टें ये नई वेलोसिटी वी बाई टू पुरानी वाली वेलोसिटी नया टेंशन हमको टी बोला जा रहा है क्वेश्चन में जो पुराना टेंशन है वो मेरे को ही दिया हुआ है इसकी वैल्यू है 2.06 पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन की पावर फोर बी से वी कट गया अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो ये 2.06 पॉइंट ज़ीरो सिक्स इंटू टेन की पावर फोर तो ये जो मेरा टी आ जाएगा यहाँ पर तो एक बार मैं कैलकुलेट कर देता हूँ टी बराबर आ जाएगा टू पॉइंट की पावर फोर अपॉन फोर अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस में अब हम लोग कैसे अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं पॉइंट जीरो सिक्स को भूल जाओ है ना आप टू से इसको काट दो तो वन आ टू आ जाएगा तो जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर फो, फोर हो गया जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर फोर का मतलब हो गया जब आप ऑप्शन में देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली फाइव इंटू तो टेन की पावर थ्री हो जाएगा देखो सबसे नीरेस्ट जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा फाइव पॉइंट वन फाइव इंटू टेन की पावर थ्री पॉइंट वन फाइव आए क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट जीरो सिक्स को नेगलेक्ट किया था यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं करते तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता तो इस तरह से ये वाला हमारा इसका आंसर आया तो एक फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एक और ध्यान रखना कि जो मास पर यूनिट लेंथ होता है इसको हम लोग रो रो पाई भी लिख सकते हैं रो जो है है इस वायर की डेंसिटी और r इसका रेडियस होता है ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है बिल्कुल इसी प्रकार से और अच्छे अच्छे फिजिक्स के लिए और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के लिए आप कनेक्टेड रहिए एपीजी की दुनिया पर अरुण प्रकाश गौड़ आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन को आसान बनाने की पूरी पूरी भरपूर कोशिश करूंगा thank you so much and love you so